गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स. वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 4 अंडरस्टैंडिंग विंडोज. एंड इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस द फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर 4. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इज द डैश is the first screen of windows that appears when the computer is switch on. जब आप computer को switch on कर देते हैं तब windows की जो first screen आपके सामने appear होती है वो क्या होती है? That is desktop. Desktop क्या है? जब आपने computer switch on किया आपके सामने जो window की पहली screen आती है जहाँ पर आपको छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई देते हैं आइकन्स की फॉर्म में, वो क्या होता है? आपका डेस्कटॉप होता है. क्वेश्चन 2 इज़ डैश आर दी लेबल्ड पिक्चर्स ऑन दी कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन पर मींस डेस्कटॉप पर आपको जो छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई देती हैं जिनके नीचे कुछ ना कुछ नेम लिखा हुआ होता है वो क्या होते हैं? आपके आइकन्स होते हैं. क्वेश्चन 3 इज द डैश इज द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के बॉटम में जो आपको एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार दिखती है उसका क्या नाम है? टास्क बार है. जैसा कि नेम है टास्क बार, मींस आप कंप्यूटर में जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे वो आपको टास्क बार में क्या होगी? शो होगी. मींस आपने कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन किया है तो उसका जो स्मॉल आइकन है या पिक्चर है वो आपको टास्क बार में क्या होता है? शो होता है. और टास्क बार के लेफ्ट साइड पे आपको क्या शो होता है? स्टार्ट बटन शो होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट साइड ऑफ द टास्क बार कंटेन्स द डैश. कि आपकी जो टास्क बार है उसके राइट साइड में जो है वो आपको क्या चीज़ दिखाई देती है? दैट इज़ नोटिफिकेशन एरिया. नोटिफिकेशन एरिया में वहाँ पर क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे आपकी क्लॉक होती है या फिर कंप्यूटर में जो भी अपडेट्स होते हैं उनके मैसेज जो हैं वो नोटिफिकेशन एरिया में शो होते हैं. अगर आपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट से, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन एरिया में जो है वो शो होता है कि आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं है, तो उसके सिग्नल आपको नेटवर्क के नोटिफिकेशन एरिया में शो होते हैं. और आपकी जो लैपटॉप की बैटरी है वो भी आपको शो होती है नोटिफिकेशन एरिया में. और अगर आपने वॉल्यूम जो है वो आपको कम करना है या ज़्यादा करना है तो उसका जो है वो मैसेज या फिर जो पिक्चर की फॉर्म में आपको जो है वो नोटिफिकेशन एरिया में शो होता रहता है मैसेज के थ्रू. क्वेश्चन 5 इज डैश द आइकन मींस अरेंजिंग देम इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. कि आइकन्स को जब आप एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? दैट इज सॉर्टिंग. सॉर्टिंग का मींस है कि आपने कंप्यूटर में जो आइकन्स हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो क्या किया हुआ है? प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है. मींस जैसे ABCD क्लास में आपके नेम्स जो है वो अटेंडेंस में टीचर बोलती है ना अल्फ़ाबेटिक वाइज, इसी तरीके से आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में अपने आइकन्स को क्या कर सकते हैं? सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं. क्वेश्चन 6 इज डैश एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. कि जो यूज़र है और जो हार्डवेयर है उसके बीच में जो है वो लिंक की तरह जो है वो कौन काम करता है? दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, मींस विंडोज़ अगर इंस्टॉल नहीं होंगी, तो आप कंप्यूटर पर जो है वो वर्क नहीं कर सकते. ठीक है. क्वेश्चन 7 इज डैश प्रोवाइड्स अ पिक्चर ओरिएंटेड वे टू इंटरैक्ट विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. क्या चीज़ है जो एक पिक्चर ओरिएंटेड वे प्रोवाइड करती है ताकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ में इंटरेक्ट किया जा सके? मींस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कंप्यूटर पर वर्क कर सके, वो क्या है? आपका GUI है. और GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. मींस जो भी कंप्यूटर पर आपको आइकन्स दिखते हैं या जो
प्रोग्राम्स पर जिन पर आप वर्क करते हैं वो सभी क्या है, आपके GUI बेस्ड है, मींस पिक्चर्स की फॉर्म में आपके सामने सभी चीज़ें आपको शो होती है और आप कीबोर्ड और माउस की हेल्प से उनको जो है वो सेलेक्ट करके वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 इज़ द कमांड्स और मेनूज थ्रू विच अ यूज़र कम्युनिकेट्स विद एन एक्सटर्नल डिवाइस आर कॉल्ड, कि कमांड्स जिनके थ्रू यूज़र जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट करता है वो क्या होता है, आपका इंटरफेस होता है। इंटरफेस क्या करता है कि जो भी कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस क्या होंगे, जो भी आपके सॉफ्टवेयर हैं वो, तो उनके साथ में आपको कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक इंटरफेस होना चाहिए। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें टू टाइप्स के इंटरफेस बताए थे, एक GUI और एक CUI। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें पिक्चर्स की फॉर्म में सभी चीज़ें हमें दिखाई देती है, और CUI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम कमांड्स के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। लेकिन अभी जो हमारे लेटेस्ट कंप्यूटर है वो क्या है, GUI बेस्ड है, और हम इन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं, कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड द फ्लिंग द ब्लैंक्स एंड यू हैव टू डू दिस इन योर वर्क, दिस वर्क इन योर नोटबुक एंड सबमिट योर वर्क ऑन टाइम एंड यू हैव टू लर्न इट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।